गाइस, वी धागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैंट कटिंग करना सीखा था, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल पैंट है जिसमें हम बेल्ट लगाकर बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे इससे पहले की वीडियो में चेक कर सकते हैं। और अब हम इसमें स्टिचिंग बताने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैंट को खोलेंगे और ये मेरे पास बचा वाला कपड़ा है, इसमें हम लोगों को बेल्ट कट करनी है। तो अभी हम लोग इससे बेल्ट कट करेंगे, इसको किनारे रख देते हैं। बाकी के पैंट खोलेंगे और ये हमारे पास इसमें ये पॉकेट है, ये पॉकेट भी हमें इसी में अटैच करनी है, तो इसको भी अभी हम लोग साइड में रख देते हैं। अब हम लोग इसका आसन ज्वाइन करेंगे, तो इसको हम लोगों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से छोटा होता है, तो अब हम लोगों को इसमें आसन का निशान लगाना है। आसन के निशान के लिए जैसे ये रखा हुआ है इसी तरह से इसको उठाएंगे और इस तरह से हम लोग सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से बैक वाले आसन में भी करेंगे और बैक वाले आसन के लिए इस तरह से हम लोग इसमें सिलाई लगा देंगे आधे इंच की। तो मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये आसन की सिलाई लगा दी है। अब हम लोगों को इसमें प्लेट्स डालनी है, तो अभी बैक वाले को हम किनारे रख देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी फ्रंट वाले में ही सिर्फ प्लेट्स डालनी होगी, तो इसको हम लोग पहले खोलेंगे इस तरह से। और प्लेट्स हम लोगों को उल्टी साइड पर डालनी है, ये सीधा करके कुछ ऐसा दिख रहा है, और प्लेट्स हम लोगों को उल्टी तरफ डालनी है। गाइज, आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसमें म्यानी नहीं लगाई है, तो म्यानी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि इसकी कटिंग मैंने यहाँ से गोलाई में की हुई है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है म्यानी लगाने की। अगर आप इसको सीधा काटते तो आपको इसमें म्यानी लगानी होती, पर जैसा कि ये प्रोफेशनल पैंट है तो इसमें म्यानी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाली पैंट में मैंने म्यानी लगाना भी बताया है, वो अलग से मैंने बताया हुआ है, पेपर कटिंग भी बताई है। तो चलिए अब प्लेट्स डाल देते हैं। प्लेट्स के लिए ये जो हमने कट लगाए हुए हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस इस तरह से इसको पकड़ना है हम लोगों को आपस में, और जैसे हम लोग ब्लाउज में डालते हैं वैसे ही डालना है। ऊपर से सिलाई लेते हुए आनी है और जहाँ पर ये पतली हो गई है यहाँ पर इसको पतला कर देना है। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी यही इसी तरह से हम लोग प्लेट्स डाल लेंगे। तो प्लेट्स डालकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये प्लेट्स इस तरह से हम लोगों को डालनी है, नीचे से पतला कर दिया जाता है, और फ्रंट से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो मैं आप लोगों को दूसरे पल्ले में भी लगाकर बताती हूँ और उसके बाद मैं इसमें हम लोग पॉकेट लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए सबसे पहले जब हमने दो पॉकेट काटी थी उसमें से एक पॉकेट ले लेंगे और इसको हम लोग इसके ऊपर रखेंगे खोल के इस तरह से। रॉन्ग साइड हमारा पॉकेट का ऊपर होना चाहिए और सीधी तरफ को हम लोगों को ये रखना है। अब इस तरह से हम लोग निशान लगाएंगे, डेढ़ से दो इंच का ऊपर से नीचे लेंगे। तो पहले डेढ़ से दो इंच का निशान लगाएंगे, तो डेढ़ इंच का निशान लगा देंगे। आप दो इंच भी निशान लगा सकते हैं। अब इसमें जो हमने निशान लगाया है इसको हम लोग आधे इंच का करीब करीब करेंगे, तो आधे इंच की हम लोग इसमें चौड़ाई देंगे। अब हम लोग इसमें पाँच इंच नीचे जाएंगे, पाँच इंच बहुत सफिशिएंट होता है आपका हाथ डालने के लिए, तो पॉकेट में हाथ पाँच इंच में आराम से चला जाता है। अब हम लोगों को इसमें इस तरह से सिलाई लगानी है, तो सिलाई भी हम लोगों को ये जो हमने निशान लगाया इसी के ऊपर लगानी है, तो इस तरह से सिलाई लगेगी। तो मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अब हम लोगों को इसमें एक कट लगाना है, तो कट मैं आप लोगों को लगा कर दिखाती हूँ। इस तरह से कट लगाएंगे, बहुत केयरफुली लगाना है हम लोगों को, इसमें सिलाई नहीं कट करनी है। दोनों साइड पर हम लोग दोनों कोने में लगा देंगे जिसमें कि हमें इसको पलटाने में आसानी रहे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको कट लगा दिया है। अब हम लोग इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद इसमें हम लोग नोक निकाल देंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये पूरा हम लोगों को बाहर करना है, जिसमें ये जिस तरह से हम लोग ने सिलाई लगाई है उसी शेप का दिखे। देखिए इस तरह से अब हम लोगों को इसमें सिलाई लगानी है। ऊपर से जो आधा इंच है हमारा, यहाँ पर हम लोगों को पतली सिलाई लगानी है और यहाँ पर हम लोगों को एक इंच की सिलाई लगानी है। देखिए, मैं आप लोगों को सिल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम लोगों को पॉकेट को नीचे से निकालना है इस तरह से।
तो ये पॉकेट निकाल ली है। अब पॉकेट का हम लोग मिडिल पोर्शन पकड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और हम लोगों को इसमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई कुछ इस तरह से लगानी है। आधे इंच का गैप देके हम लोगों को इस तरह से सिलाई लगा देनी है, और फिर उसके बाद हम लोगों को इसको सीधा कर देना है। तो ये यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम लोग इसको सीधा कर देंगे। तो सीधा करने के बाद अच्छी तरह से इसमें नोक निकाल लेंगे। इस पॉकेट को हम लोग बोलते हैं गुम पॉकेट। तो ये सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब ये जो हमारा पॉकेट का कपड़ा आ रहा है, इसको हम लोग पीछे कर देंगे और हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, इस तरह से पॉकेट बन जाएगी। तो अब हमने पॉकेट लगा ली है, मैं आप लोगों को दोनों तरफ की पॉकेट दिखाती हूँ। दोनों साइड की मैंने लगा ली है। इस पॉकेट को भी हम पीछे कर देंगे इस तरह से। तो पॉकेट हमारी दोनों तरफ की लग गई है। अब हम लोगों को इसमें बेल्ट लगानी है। तो जितनी भी आपकी कमर दी हुई है, इसमें हम लोगों को बुकरम वाली 1 इंच की पट्टी काटनी होगी और वो हमें लगानी है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी कमर के नाप की ये बुकरम की पट्टी 1.5 इंच की कट कर ली है, बिल्कुल कमर के नाप की है। अब हम लोग इसको एक कपड़े में पेस्ट करेंगे। कपड़ा हमारा इतना चौड़ा होना चाहिए कि जितनी ये हमारी पट्टी है, इससे हमें 1 से 2 इंच चौड़ा लेना पड़ेगा। और उससे पहले हम लोग यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से सिलाई लगानी है और यहाँ पर ये नीचे इस तरह से सिलाई लगा देनी है। थोड़ा थोड़ा जितना भी आपकी पॉकेट बच रही है यहाँ पर, उतनी हम लोगों को सिलाई लगा देनी है। और ये बुकरम की पट्टी हमें पेस्ट कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब बुकरम वाली पट्टी को भी मैंने चिपका दिया है कपड़े में। ये देखिए, अब हम लोगों को ये जो आधा इंच इस तरह से हम लोगों को चिपकाना होता है कि जो आधा इंच कपड़ा होता है नीचे दिखना चाहिए, तो इस तरह से अभी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, और सिलाई लगाने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरह से इसको मोड़ देना है। ये देखिए, इस तरह से मोड़ देंगे, फिर मैं आप लोगों को आगे का बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब हम लोग इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और हम लोगों को ये जो नीचे का कपड़ा है इसमें निशान लगा लेना है कि हमें सिलाई यहीं पर लगानी है। तो हल्का हल्का सा हम लोग यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है, इसी पर हम लोगों को सिलाई चलानी है। अब हम लोग इसको पैंट में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए इस तरह से हम लोग पैंट को पकड़ेंगे, और इस तरह से पैंट का उल्टा साइड हम लोगों को रखना है। ये अपना राइट साइड आपको अपनी तरफ करना है, और इस तरह से पकड़ के हम लोगों को पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई लगा देते हैं पहले, फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसको अटैच कर दिया है। अब हम लोगों को इसको पलटाना है। इस तरह से हम लोग इसको वापस से सिलाई लगा देंगे। याद रहे, जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो टाइट हम लोगों को रखना है। आप चाहें तो ऊपर के हिस्से में पहले ही सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को इसको अटैच कर देना है। तो दूसरी सिलाई हम लोग को लगानी होगी। तो ये देखिए, मैंने पूरी तरह से सिलाई लगा दी है, बहुत ही सफाई से सिलाई लगी है। इसी तरह से अब हम लोगों को बैक का पल्ला लेना है। तो सबसे पहले हम लोग बैक वाले जो हम लोगों का पार्ट है, उसको हम लोग इस तरह से बिछाएंगे, और इसके ऊपर हम लोगों को जो हमारा फ्रंट है उसको उल्टा करके रखना है, जिसमें कि जो दोनों का सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहे। ये देखिए, अब हम लोगों को इसके ऊपर बिछाने के बाद हम लोगों को इसमें सिलाई लगानी है फिटिंग की। इलास्टिक हम लोग कमर में बाद में लगाएंगे, सबसे लास्ट में। तो फिटिंग की सिलाई के लिए सबसे पहले दोनों को एक के ऊपर एक रख देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा निशान यहाँ पर लगा हुआ है, इस निशान को हम लोगों को पहले मेजर करना है कितना है। ये 2 इंच का है। अब इसके 2 इंच ऊपर हम लोगों को निशान लगा देना है और भी, पर अंदर की तरफ नहीं, ये हम लोगों को इस तरफ लगाना है, बाहर की तरफ। तो अभी 2 इंच ऊपर इसका निशान लगा देंगे, और इसमें हम लोगों को थोड़ी सी चौक खोलनी है। तो ये मैं उसी चीज़ का निशान लगा रही हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग सिलाई लगाएंगे पूरी, तो हम लोगों को यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाना है। यहाँ से इस तरह से हम लोगों को आधा इंच कम से कम छोड़ के इस तरह से पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देना है। और जब हम लोग ऊपर की तरफ पहुँचेंगे यहाँ पर,
तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली आपको करना है कि इस तरह से सिलाई लगानी है कि ये जो आपका पॉकेट का हिस्सा है ये सिले ना, मतलब आपको यहाँ पर बिल्कुल किनारे की तरफ यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। ये देखिए जहाँ पर मैंने निशान लगाया है यहाँ पर, अगर आपने इसके ऊपर चला दी तो आपकी पॉकेट बंद हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको इसी वाले कपड़े पर सिलाई लगानी है, पॉकेट वाले पर नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब आप यहाँ पर आएंगे तो जैसा मैंने बताया ये पॉकेट हम लोगों को बंद नहीं करनी है, सिर्फ ये वाले पोर्शन में हम लोग को सिलाई लगानी है, पर ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है यहाँ से हम लोगों को 1 से 1.5 इंच नीचे छोड़ देना है, यानी कि आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ये हमारा आ रहा है 1.5 इंच, तो यहाँ तक हम लोगों को इसमें सिलाई लगानी है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं जहाँ पर ये हमारा बंद हो रहा है, बस यहाँ तक हम लोगों को सिलाई लगानी है, बाकी ये हम लोग को अभी छोड़ देना है। जब हम लोग इलास्टिक लगाएंगे उसके बाद ये हम लोग सिलाई लगाएंगे बाद में। मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है, अब हम लोगों को इसमें चौक बनानी है, चौक बनाने के बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को ऊपर से पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए जैसा मैंने पॉकेट के पास आपको कहा था कि यहाँ पर हम लोगों को इसको बचा कर सिलाई लगानी है और ऊपर से इतना छोड़ देना है, तो यहाँ पर इतना तो मैंने छोड़ दिया है। अंदर का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस तरह से आपको सिलना है जिसमें कि पॉकेट जो है वो आपकी दबे ना। ये देखिए ये हमारी पॉकेट है और ये हमारी खुली हुई है पॉकेट, अच्छी तरह से इसी तरह से हम लोगों को सिलाई लगानी है जिसमें कि पॉकेट का जो ये हिस्सा है इसमें सिलाई ना लगे, सिर्फ कपड़े में ही लगे। तो ये आप लोगों को होप अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को चौक बनानी है और सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से मोड़ देना है, सिंगल मोड़ना है, बस 1/2 इंच का इस तरह से दोनों साइड मोड़ देना है। इसी तरह से सेम दूसरे वाले में भी करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिंगल सिलाई लगा दी है मैंने, अब हम लोगों को इसको इस तरह से रखना है और जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोगों को जहाँ तक आपकी सिलाई खुल रही है यहाँ पर एक सिलाई लगानी है हम लोगों को, फिर इसी तरह से इसको इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। तो रुकिए मैं आप लोगों को सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोनों पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसमें और इसमें। अब हम लोग जब इसको खोलेंगे तो इस तरह से हम लोगों को इसको सीधा करना है, अगर इसमें नोक नहीं बन रही है तो आप सीजर की हेल्प से इसमें नोक बना सकते हैं इस तरह से डाल के। ये हमारी चौक भी खुल गई है, अब हम लोगों को करना क्या है कि इसको उल्टा रखना है और ये जो हमारा कपड़ा गया है इसमें हम लोगों को सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये हम लोग आगे के और दोनों में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर हमारी ये चौक तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आप दूसरे पैचे में भी कर सकते हैं। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद सीधी तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखेगी, सीधी सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद हम लोगों को इसको इस तरह से बंद करना है और दोनों को बराबर रख के यहाँ साइड की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। यहाँ पर आसन को भी इस तरह से हम लोग बराबर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये फिटिंग की भी सिलाई लगा दी है पूरी इस तरह से घुमा के। अब हम लोगों को क्या करना है कि पीछे हम लोगों को इलास्टिक लगानी है। तो एक मैं बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी कि लोग जब पैंट बनाते हैं तो उनकी पैंट जो है सिलाई से उठती है बीच से, तो वो इसलिए उठती है क्योंकि वो लोग इसी में इस तरह से पलटा के इलास्टिक लगा देते हैं तो इससे खिंचती है पैंट। पर ये जो मैं बताने वाली हूँ इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी पैंट कभी भी नहीं उठेगी। उसके लिए सबसे पहले ये कपड़ा आप लेंगे, ये कमर के नाप का, पीछे वाली कमर के नाप का, ये मैंने 4 इंच चौड़ा लिया है, 4 से 5 इंच चौड़ा आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को इसमें नेफा के जैसे सिलना है, इस तरह से हम लोग लेंगे सिलाई लगाते हुए और फिर इसको इसी तरह से इसमें पलटा देंगे। तो जब हम इस तरह से पलटा देंगे पूरा नेफा बना देंगे फिर हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो मैं अभी ये करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब हम लोग को इलास्टिक लगाने के लिए सबसे पहले जो आपकी ये बेल्ट लगी हुई है इसमें 1 इंच इधर से कम करके 1 इंच इधर से कम करके आपको नापना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 इंच छोड़ के यहाँ से हम लोग नापेंगे और इस तरफ भी हम लोग 1 इंच कम करके नापेंगे। तो ये हमारा 18 यानी कि 18 इंच की हमारी बेल्ट है। 1 इंच इधर से छोड़ा है, 1 इंच इधर से छोड़ा है, 18 इंच की हमारी बेल्ट है। तो अब 18 इंच में हम लोग 3 इंच कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 इंच। तो 15 इंच की हमें इसमें इलास्टिक काटनी होगी, तो इलास्टिक को भी मेजर कर लेते हैं 15 इंच।
तो ये 15 इंच पर निशान लगा के हम लोग इसको कट कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग इस तरह से सेफ्टी पिन इसमें एक लगाएंगे और इसमें हम लोग इसको डालेंगे। इस तरह से डालना है कि ये अंदर ना जाए, हम लोगों को इसको बाहर ही निकाल के रखना है और दूसरी तरफ से निकाल लेना है। तो मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ इसको मैंने इसके अंदर से डाल लिया है। अब हम लोगों को इलास्टिक को इसके किनारे रख के, यानी कि इस तरफ से, इस तरह से रख के हम लोगों को इसमें सिलाई लगा देनी है, जिसमें कि इलास्टिक दब जाए और फिर निकले ना। इसी तरह से हम लोगों को इस तरफ भी करना है। इस तरफ से हम लोगों को किनारे इलास्टिक को अंदर डाल के इसमें किनारे करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा दिया है साइड में। अब इलास्टिक हमारी पूरी तरह से दोनों तरफ से दब गई है। अब हम लोगों को इसको इस तरह से खींचना है और खींचते हुए हम लोगों को इसमें सिलाई लगानी है। जब हम लोग इसमें सिलाई लगा देंगे, एक या दो जितनी भी आपको लगानी हो, उसके बाद हम लोगों को इसको यहाँ पर एक एक इंच दबा देना है इस तरह से, और इस तरफ से भी दबा देना है। तो अब मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट करके पैंट दिखाती हूँ यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद, और ये जो हमारी किनारी है यहाँ पर लगाने के बाद मैं आप लोगों को फिनिश लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, दो सिलाई लगाकर मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है। और जहाँ इसकी किनारी आती है, ये हम लोग सिलाई लगाने के बाद जो इसकी किनारी आती है, इसको हम लोगों को इस तरह से मोड़ के इसी में अटैच कर देना है, जिसमें कि ये धागे ना निकले। इस पैंट में नहीं निकलेंगे, पर बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें से धागे निकलते हैं। तो आप लोगों को इसको अंदर से दबाना होता है और दबाकर फिर हम लोगों को यहाँ पर सिलाई लगानी होती है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दी है, सीधा करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी पैंट, लेडीज पैंट रेडी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो तो उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो जो भी चीज़ सीखनी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ये देखिए इसकी पॉकेट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और गाइज, मेरा एक और चैनल भी है, कुक विद शाहीन। तो आप अगर आप इजी रेसिपी सीखना चाहते हैं कुकिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जैसे आप लोग ने इसमें हम लोगों को खूब सारा सपोर्ट दिया है, वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।